आज हम इस अनुवांशिकता पाठ में विभिन्न बिंदुओं को सीखेंगे। सबसे पहले है पहला पॉइंट है वंशागत लक्षण। तो वंशागत लक्षण किसे कहते हैं? तो वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, अर्थात जो लक्षण किसी संतति को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, उन लक्षणों को हम वंशागत लक्षण कहते हैं। इसीलिए हमारे देश में या किसी भी विश्व में जो किसान होते हैं वो बीज पर बहुत अधिक क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं, क्योंकि जैसा बीज होगा उससे उगने वाली जो फसल है वो उसी प्रकार की होगी, क्योंकि फसल में जो लक्षण है वो बीज से आएंगे। अर्थात जो लक्षण हमें या किसी भी जीव को अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, उन लक्षणों को वंशागत लक्षण कहते हैं। दूसरा परिभाषा है इसमें वंशा गति, अर्थात अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को वंशा गति कहते हैं। लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्रिया को वंशागति कहते हैं। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम अनुवांशिक लक्षणों और उनकी वंशागति की वंशागति का अनुभव अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागत लक्षणों का और उनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं, उस शाखा को हम अनुवांशिकी विज्ञान या जेनेटिक्स कहते हैं। सर्वप्रथम अनुवांशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वैटसन ने किया था और ग्रेगर जॉन मेंडल को उनके किए गए कार्यों के कारण से, उनके किए गए कार्यों के आधार पर अनुवांशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म जो है वो ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर में एक माली परिवार में हुआ था, जो बड़े होकर ब्रून शहर की ही एक चर्च में पादरी का काम करने लगे। और जिस चर्च में ये ग्रेगर जॉन मंडल रहते थे, तो खाली समय में वहां पर जो जगह पड़ी हुई थी उस जगह में इन्होंने मटर, वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम, पाइसम सटाइवम पर अध्ययन किया और इन्होंने लगातार 8 वर्षों तक इस मटर पर अध्ययन किया और अपने आंकड़ों को इन्होंने लिपिबद्ध किया और अपने आंकड़ों से प्राप्त होने वाले तथ्यों के आधार पर उन्होंने जो नियम प्रतिपादित किए, इसीलिए इनको अनुवांशिकी विज्ञान का जनक कहा जाता है। लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल बहुत ही दुर्भाग्यशाली रहे, क्योंकि जिस समय में इन्होंने प्रयोग किया था उस समय पूरे विश्व में डार्विन का जो सिद्धांत था वो प्रसारित हो रहा था, सारे विश्व के लोगों का जो ध्यान था वो डार्विन के सिद्धांत पर था, इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल के कार्यों को उस समय सराहना नहीं मिल पाई। तो सन 1900 में
सन 1900 में जब तीन वैज्ञानिकों ने मेंडल जैसे ही लक्ष्य प्रयोग किए तब इनके कार्यों को जाना गया और लगभग मेंडल के मृत्यु के 18 साल के बाद ग्रेगर जॉन मेंडल के कार्यों को सराहाया गया। अब इसके बाद आता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने कि मटर के पौधे को ही क्यों चुना, मटर के पौधे को ही क्यों चुना। संसार में विश्व में इतने अन्य भी पेड़ पौधे थे, किसी और पौधे को भी वो चुन सकते थे। तो सबसे पहला कारण है कि जो मटर का पौधा होता है वो एक वर्षीय होता है, अर्थात मटर के पौधे का जो जीवन काल होता है वो एक वर्ष का होता है, अर्थात लगभग 4 से 5 महीने में मटर के पौधे को हम बोते हैं और उससे फल प्राप्त होता है। नंबर 2 जो सबसे बड़ा मुख्य कारण था, जो मटर का पुष्प होता है वो उसकी आकृति बंद होती है और बंद पुष्प होने के कारण से इसमें पर परागण की क्रिया नहीं हो सकती है, केवल स्व परागण की ही क्रिया हो सकती है। अब स्व परागण के कारण से इसमें जो स्व परागण के कारण से जो गुणों की शुद्धता बनी रहती थी, अर्थात जो गुण थे वो माता पिता के और संतति के लगभग एक समान होते थे, इसलिए उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता था, इसलिए इन्होंने मटर के पौधे को चुना। अगला मुख्य कारण था कि लक्षणों की विविधता पाई जाती थी। मटर के पौधे में विभिन्न प्रकार के लक्षण होने के कारण से इन्होंने इस पौधे को चुना। अब आता है कि मटर के इन विभिन्न लक्षणों में से किन लक्षणों को उन्होंने अध्ययन किया, तो मटर के केवल 7 लक्षणों पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। सबसे पहला लक्षण था पुष्प की स्थिति, नंबर 2 लक्षण था पुष्प का रंग, नंबर 3 लक्षण था बीज का रंग, नंबर 4 बीज की आकृति, नंबर 5 लक्षण था फली का रंग, नंबर 6 फली की आकृति और नंबर 7। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि 2 लक्षण पुष्प के, 2 लक्षण बीज के और 2 लक्षण फली के। तो इस प्रकार से 2, 2, 4 और 2, 6 और जो 7वां लक्षण था वो जो अकेला लक्षण जो है वो पौधे की लंबाई। तो मेंडल ने मटर के इन 7 लक्षणों का अध्ययन किया। इन 7 लक्षणों में हर लक्षण को उन्होंने 2 प्रकार इनके बताए, एक प्रभावी लक्षण और दूसरा अप्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। अब प्रभावी लक्षण क्या होता है और अप्रभावी लक्षण क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हर जीव के अंदर प्रत्येक लक्षण जो होता है वो किसी ना किसी जीन के द्वारा नियंत्रित होता है।
और ये जो जीन है इस जीन के दो विकल्प या दो पाए जाते हैं। ये दोनों जीन जो होते हैं एक मेल से प्राप्त होता है एक फीमेल से प्राप्त होता है, अर्थात जीन का एक विकल्प माता से प्राप्त होता है दूसरा पिता से प्राप्त होता है। तो दोनों प्रकार के जीनों की उपस्थिति होने के बावजूद भी जो जीन अपने गुण को प्रकट करता है उस जीन को हम प्रभावी जीन कहते हैं, और जो जीन अपने लक्षण को प्रकट नहीं कर पाता है उसको हम अप्रभावी जीन कहते हैं। जैसे पुष्प की स्थिति के आधार पर कक्षीय और अग्रस्त पुष्प का रंग लाल और सफेद, बीज का रंग हरा और पीला, बीज की आकृति गोल और झुर्रीदार, फली का रंग पीला और हरा और फली की आकृति फूली हुई या संकीर्ण फली, लंबा पौधा और बौना पौधा। तो इस प्रकार से मेंडल ने इन सात लक्षणों का अध्ययन किया। अब एक इसमें और चीज जानने के लिए है कि जीन को लिखने के लिए प्रभावी लक्षण जिस जैसे लाल रंग है तो आर से प्रारंभ करेंगे, सफेद के लिए व्हाइट नहीं लिखा जाएगा, सफेद के लिए जो जीन लिखा जाएगा वो स्मॉल आर। इसी प्रकार से हरा ग्रीन के लिए कैपिटल जी और पीले के लिए यहाँ पर स्मॉल जी, लेकिन यहाँ पर जब फली के रंग की बात आती है तो यहाँ पर फली की आकृति के लिए कैपिटल वाई और यहाँ पर स्मॉल वाई का इस्तेमाल किया जाएगा। लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी और बौने जीन के लिए स्मॉल टी का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर आज हमने अनुवांशिकता पाठ में वंशागत लक्षण किसे कहते हैं, वंशागति किसे कहते हैं, अनुवांशिकी किसे कहते हैं, फिर मेंडल का जन्म कहाँ हुआ, मेंडल ने कितने वर्षों तक किस पौधे पर अपना अध्ययन किया, फिर दूसरा हमने सीखा कि उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, और अंत में हमने जाना कि मेंडल ने मटर के किन सात लक्षणों का अध्ययन किया। अभी हम अगले वीडियो में मेंडल की विभिन्न शब्दावलियों के बारे में सीखेंगे।